बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अखरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल फिटफाट और मज़े में हूँ। ये देखिए जी, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो हमारी क्लास जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या वजह थी, रात भी तकरीबन तो ही 9 बजे 9:30 ना मेरा दिल चाहा तो मैं ना चाय पीऊँ, तो जैसे मैंने जा तो चूल्हा ऑन किया तो ऐसे बहुत हल्की हल्की सी ना गैस आ रही थी। तो सुबह उठे हैं तो सुबह भी वही हाल है, पता नहीं क्या रीज़न थी, क्या मसला था। कह रहे थे तो पीछे से ही ऐसे हुआ पड़ा है ना। तो फिर ये देखिए, फिर मैंने ना रोटी तो बननी नहीं थी, फिर मैंने अंडे बनाए हैं, फ्राई किए हैं और साथ में चाय बनाई है। और आज होटल्स पे भी इतना रश था, इतना रश था। हस्बैंड बता रहे थे कि हर होटल पे ना बहुत ज़्यादा रश था, इवन तो लाइनें लगी हुई थी कस्टमर्स के। तो फिर वो नान ले आए थे, और आज हमारे साथ ना बड़े बड़े ब्लेंडर हुए हैं नाश्ते को लेकर, वहाँ पे ना चने वगैरह जो हैं वो भी ख़त्म हो गए। और फिर मजबूरन हमें, मैंने तो बोला था तो पराठे ले आइए, ये पराठे लेने थे, लेते ना पराठे वो लोग लगा नहीं थे रे। फिर नान लेकर आए हैं, फिर मैंने चाय बनाई है और सालन पड़ा हुआ था रात का लेफ्ट ओवर वो, और साथ में अंडे फ्राई थी हैं। तो ये हमने आज नाश्ता किया है, लेकिन ना मज़ा तो ही नहीं आया नाश्ते का, बस वो पेट भरने वाली बात हुई है। आज तो ज़रा भी मज़ा नहीं आया नाश्ते का, इतनी स्लो गैस थी। तो ये देखिए, मैंने अंडा भी डाला हुआ ना फ्राई करने के लिए, तो 5 मिनट बाद मैं इसको ना फ्लिप करूँगी, इतनी स्लो गैस थी। बस फिर नाश्ता वगैरह किया और घर तो छोटे मोटे काम करने वाले तो वो तो ही हैं। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो ये देख रही है ना, मैंने कल चने बॉयल किए थे, दही भल्ले बनाए थे, तो ये चने बॉयल किए थे मैंने सारे ही तर लिए। आजकल ना बरसात का मौसम है तो कीड़ा लग जाता है, तो फिर इस वजह से ना मैंने सारे चने बॉयल कर लिए। बाज़ दफ़ा होता है सुबह टाइम नाश्ते में भी मसाला ना हो तो फ्रीज लिए इस तरह से चने पड़े हो ना तो झटपट बंदा मसाला बना तो चना जो है ना वो बना लेता है। और ये थोड़े से ये केले आए हुए थे वो भी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कटिंग कर दो ना वो भी इस तरह से फ्रीज कर लिए, तो जूस बन जाएगा इनका, वैसे तो ज़ाया ही हो जाने हैं वो, देखो काले काले से हो जाते हैं। तो ये दूध आया था लाउंज से, वो भी वैसे पड़ा हुआ था अभी, और ये चीज़ था ये भी पड़ा हुआ था। तो ये चीज़ जो है ये मेरे नंदन ने भेजा मुझे, तो ये सारा मैंने ना इनको ना फ्रीज कर दिया था, जब ज़रूरत हो तो तब इनको मैं निकालूँ थी और फिर इस्तेमाल कर लूँ थी। और फिर ये देखिए, यहाँ पर मैं ना नाश्ते वाले बर्तन ही वॉश कर रही थी, तो देखिए तो अभी ना पानी सही आ रहा है, थोड़ी देर में देखिए तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और मैं हाफिज़ जी से ना बोल रही थी, उनसे कह रही थी तो आप सबसे पहले उठे हुए हैं और आपने इतना नहीं किया, तो मैं मोटर चलाया था ना तो मैं पानी भर लूँ, तो वो कह रहे थे बस मेरा ना ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने तो चले ठीक था, ध्यान नहीं ना रहा, अब फिर सारा दिन बैसे रहे, अब शाम तो पानी आएगा। यहाँ पर ना सरकारी पानी है तो वो सुबह आता है तो 4 बजे आ जाता है, तो बाद में ना 9 बजे पानी चला जाता है, तो 9 बजे से पहले पहले ना टैंकी वगैरह भरने, 9 बजे से पहले ना फिर टैंकी वगैरह भर लो तो ठीक रहता है। आज मैं ना मेरी तबीयत नहीं थी थोड़ी ठीक है, सोई रही हूँ मैं। और हाफिज़ जी उठे थे पहले, उन्होंने बस ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मोटर नहीं चलाई, तो बस इस तरह से आज हमारा ये हुआ है। तो पानी ख़त्म हो गया, सफाई भी अभी मैंने नहीं की। और ये देखिए, फिर ना साफ ही था सर, बस फिर मैंने थलारे वगैरह सारे ठा लिए थे, बेडशीट वगैरह सारा सेट सुट कर ली थी। और ये देखिए, फिर ना हाफिज़ जी लेते आए थे यहाँ पर चिकन, और आज हमारा प्रोग्राम था अचारी हांडी बनाने का, अचारी हांडी बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन गैस आ नहीं थी रही, तो ले आए थे चिकन, चिकन ना ख़त्म हुआ था। मैं ऐसे करती होती हूँ कि ना मैं संडे तो संडे ही ना मंगवा लेती हूँ बीफ चिकन जो भी मंगवाना होता है, तो फिर मैं उसका ना पैकेट बना लेती हूँ, वो फिर फ्रिज में रख लेती हूँ, वो फिर हफ्ते में पूरा हफ्ता जो है ना वो चलता रहता है।
तो आज भी हसबे मामूल ये देखिए ये अभी चिकन लेकर आए हैं, तो ये मैं इसको मैंने वॉश क्या करना था, इसको मैं अपना नमक लगा के ऐसे रख दूंगी। तो अब जब पानी आएगा तो फिर ही है, जाहरी बात है सारे काम फिर ही होंगे। पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं बंदा कर सकता ना, पानी जो है वो बहुत ही लाजमा मलजूम है। तो ये देखिए मैं आप तो दिखा रही थी, यहाँ पे तो पानी बिल्कुल एक कतरा भी नहीं था, ख़त्म हुआ था पानी। तो फिर मैंने चिकन को नमक लगाया और नमक लगा के इसको ऐसे अब फ्रिज में रख लूँगी। अब जाहिर बात है जब पानी आएगा तो फिर ही मैं चिकन जो है ना वो वॉश करूँगी, या फिर देखते हैं दूसरी ज़मीनी मोटर भी आया वो वाली चलाते हैं तो फिर करूँगी कुछ ना कुछ। अब फिलहाल इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और देखते हैं फिर। और यहाँ पर है जी जोहर का टाइम, नमाज़ वगैरह पढ़ते फ्री हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं ना एप्पल कटिंग करने लगी थी, तो हुरिया ने कहा मामा रहने दे लाए, मैं करती हूँ ना कटिंग। मैंने तो चले ठीक है आप करो, तो मैं आपसे ना थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ना हुरिया एप्पल कटिंग कर रही है, यहाँ पर मैं इसे कह रही थी तो आप अपने पास ही रख लो प्लेट को, एक मरतबा आप कटिंग करती हो फिर आप उठाती हो और फिर इतनी दूर प्लेट में डालती हो, तो आप प्लेट तो उधर अपने पास रखो। तो है ना अभी केयरफुली एहतियात के साथ ना कटिंग करो, छुरी जो है वो हाथ पे ना लगवा लेना। और ये मुझे कह रही थी मामा आप जाओ, आप बस बाहर जाएं, मैं खुद ही कटिंग कर लूँगी ना, तो मैं सही नहीं काट रही थी। मैं कह रही थी नहीं आप सही काट रही हो, लेकिन मेरा बेटा ध्यान से काटना, ये ना हो तो छुरी जो है ना वो हाथ में लग जाए। तो यहाँ पर मैं ना इसके पास ही खड़ी थी, ये कटिंग कर रही थी और देखो साथ साथ खा भी रही है, साथ साथ कटिंग कर रही है। बस अब हम एप्पल इंजॉय करेंगे, लंच वगैरह तो नहीं, हमारा नाश्ता है तकरीबन दोपहर तो टाइम हुआ है, तो लंच क्या करना था। बस अब देखते हैं ड्रेस आए तो ठीक है, नहीं ड्रेस आए तो फिर आज हमने प्रोग्राम बनाया, बस बस भाई हमने प्रोग्राम बना लिया था, तो अगर आज ड्रेस ना आई तो आज फिर बाहर से खाना खाएँ तो रात को। एप्पल इंजॉय की हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं मैरिनेट करने लगी थी चिकन को, और फाइनली यहाँ पर गैस आ गई हुई थी। और फिर मैंने महविश को भी फ़ोन किया है, बोर हो रहे थे ऐसे ही बस, हाफिज जी बस सो रहे थे और मैं और हुरिया ही थे, हुरिया फ़ोन में लगी हुई थी और मैं अकेली बोर हो रही थी। फिर मैंने महविश को फ़ोन किया है तो बच्चों तो लेकर आ जाओ ज़रा आपस में बैठे थे फन करें थे तो आ जाओ ना। तो यहाँ पर फिर मैंने चेक किया ड्रेस आ रही थी, तो यहाँ पर फिर मैं चाय बनाने लगी थी, तो मैंने ना महविश को पहले फ़ोन किया तो महविश आ जाओ चाय इकट्ठे ही पीते हैं। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी जी चिकन को मैरिनेट अचारी हांडी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा तो इसकी फुल रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो मैंने सोचा चलो मैं आज ना आप लोगों के सामने ये मैरिनेट करती हूँ, आप लोगों को भी इसका ना पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन ना एक कप तो जितना जो है ना वो दही लिया है, साथ में इसमें शामिल कर दिया जी 1 टेबल स्पून तो जितना लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून तो जितना ही अदरक का पेस्ट, साथ में इसमें शामिल कर दूँ तो जी अचारी हांडी वाला मसाला, अचार दोष मसाला। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये जो है ना पैकेट वो इसमें मैंने अचार गोश्त का शामिल किया है, और साथ में इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा ना मैं इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो शामिल करूँ थी, तो मैं ना थोड़ा सा स्पाइसी बना रही थी, ये महविश की फरमाइश थी तो आप भी थोड़ा सा ना स्पाइसी बनाना। तो फिर मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ना थोड़ी सी मैंने इसमें जड़ा मिर्च शामिल कर दी थी और साथ मैंने थोड़ा सा इसमें ना नमक शामिल कर दिया था, और अब इसे कर लें तो अच्छे से मिक्स, और फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी और तकरीबन तो ना दो और हाँ मुझे अभी भी याद आया है, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैंने ऐसे ही शायद चिकन जो है वो मैरिनेट कर लिया है, नई ज़मीनी मोटर चलाई थी और पानी भरा है, एक बाल्टी भरी थी और एक दो जार जो है ना वो भारत में किचन में ले आई थी। तो फिर मैंने ना चिकन को पहले अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने पैकेट बनाए हैं चिकन के, वो आपने वीडियो में देखा भी होगा, और फिर मैंने चिकन को मैरिनेट किया है,
ये ना समझिएगा कि मैंने बस वो गंदे चिकन कोई मैरिनेट कर दिया है। नो, मैंने पहले चिकन को अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने इसको मैरिनेट किया है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस कुछ मसरूफियात हैं लाइफ में, जिस वजह से मैं ना वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाती, बिज़ी हो जाती हूँ। तो आपको पता है मैरिड लाइफ, ससुराल में भी जाना होता है और इधर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इस वजह से मैं ना वीडियो बाज़ दफ़ा जो है ना वो वीडियो बनी तो होती है, एडिटिंग नहीं कर पाती, इस वजह से मैं ना गायब हो जाती हूँ बीच में। क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो फैमिली है, तो इसलिए फिर मैं ना नहीं कर पाती बाज़ दफ़ा। तो आप लोगों के DMs भी आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट में भी आप लोग पूछ रहे होते हैं, तो यकीन करें आप भी मेरी फैमिली हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, आपकी वीडियो नहीं आ रही, हम आपको मिस कर रहे हैं। तो यकीन करें मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन मुझे इस तरह से अप्रिशिएट करने के लिए, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर मैं भी शाजत थी और बच्चों ने आते शोर शराबा शुरू कर दिया था, आपस में मस्तियाँ उनकी। और यहाँ पर मैंने चाय बनाई है और साथ में ये देखिए मैं भी ले कर आई थी साथ में समोसे, और अब हम इंजॉय करें थे समोसा पार्टी करें थे। अब हम ये देखिए साथ में चाय बनाई है मैंने और साथ में ये समोसे हैं और साथ में थोड़ी सी मैंने सैलड बना ली थी, और अब हम यहाँ पर इंजॉय करें थे चाय और साथ में समोसे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, हमने सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया, हल्ला दुल्ला किया, बहुत 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 ज़्यादा हमें मज़ा आया। फिर काफ़ी देर बैठे रहे थे, हल्ला दुल्ला मस्तियाँ आपस में सिमजा करते रहे, और फिर मैंने पानी भी आ गया था, फिर मैंने टेंथ भी भरी है और फिर मैंने सारा किचन वॉश किया, वॉश कर रही हूँ, सारा किचन जो है वो साफ किया, बर्तन वॉश किए हैं और सारा करते वो ना बहुत ज़्यादा बर्तन थे वो चाय वाले समोसों वाले भी, तो फिर मैंने ना सारा कैप्चर नहीं किया। वीडियो ऑलरेडी पहले ही बहुत लंबी थी, यकीन करें ये 50 मिनट की वीडियो थी जो मैंने कटिंग कर तो ही 13-14 मिनट पे थी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पास ही ना सालन भी चढ़ा दिया था, पास ही हंडिया भी बन गई थी, आटा वगैरह भी जो है वो बना के रख लिया, और बस पास मैंने किचन साफ कर लिया। अब मैं आपको इसलिए ना बस फाइनल लुक दिखा देती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अब आप लोग मेरे से ना दिला ना दीजिए रेत लीजिए, मैंने रैप किया तो मैं अब इस बार जो है ना लंबी वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये तीन तरह बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग मेरे से ना इतना प्यार करते हैं और मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों का। और यहाँ पर मैं बाप का फाइनल जो है ना वो इसका चार दोस्त का जो है वो फाइनल जो है इसकी लुत्फ वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये थी जी चार दोस्त की फाइनल लुत्फ। उम्मीद करती हूँ तो आपको मेरी आज की वीडियो और विलोज पसंद आया होगा, वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर हूँ जी एक नई वीडियो और नए विलोज के साथ। अल्लाह हाफिज़।